जो बच्चे पास हुए हैं 6 डिस्ट्रिक्टों से उनके कितने नंबर आ रहे थे मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपने थंबनेल देख लिया होगा, टाइटल पढ़ लिया होगा, आज हमारी वीडियो किसके ऊपर बनने वाली है। आज हमारी वीडियो बनने वाली राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल को लेकर। जो भी आपके डाउट है सभी डाउटों को क्लियर करूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। डाउट कौन कौन से दोस्तों कि रिजल्ट कौन कौन से जिलों का रिजल्ट आ चुका है, जो जिले बच रहे हैं उनका रिजल्ट अब कब तक आएगा और कितने नंबर पे बच्चों का पास हुए हैं, मतलब कि कितने नंबर आ रहे थे। जो बच्चे पास हुए हैं 6 डिस्ट्रिक्टों से उनके कितने नंबर आ रहे थे मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलता हूं मेरे टॉपिक के ऊपर। पहले दोस्तों आपको बता दूं कितने जिलों का रिजल्ट आ चुका है। आपको सबको पता होगा लगभग 6 जिलों का रिजल्ट आ चुका है, सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर रूरल, धौलपुर, ऐसे मिलाकर दोस्तों 6 जिलों का रिजल्ट आ चुका है। यदि आप इन 6 जिलों से हो तो साइट पे जाकर, अभी साइट थोड़ी बिजी चल रही है, साइट पे जाकर आप देख सकते हो, वहां पर आपके रोल नंबर मिला लेना। यदि आपके रोल नंबर मिल जाएंगे तो यूं मान लो आपको पास कर दिया गया है, मतलब कि फिजिकल के लिए आपको जरूर बुलाया जाएगा। और सबसे बड़ा डाउट है जो और जिले बच रहे हैं उनका रिजल्ट अब कब आएगा, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों उनका रिजल्ट भी कुछ ही देर में या कुछ ही दिनों में, मतलब कि या तो आज ही शाम तक या कल तक दोस्तों आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जितने भी जिले हैं सभी का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डाउट निकाल दो कि अब बच रहे हैं जिले उनके रिजल्ट कब आएगा, तो उनका रिजल्ट भी कभी भी जारी हो सकता है, याद रखना कभी भी जारी हो सकता है। अब सबसे बड़ा डाउट ये है कि कितने नंबर पर बच्चों का पास किया गया है, मतलब कि जो पास हुए हैं उनके कितने नंबर आ रहे थे। प्रूफ के साथ बताऊंगा दोस्तों, जिनने बच्चों ने मुझे कमेंट करके बताया है कि सर मेरे इतने नंबर पर सिलेक्शन हो गया फलाने जिले से, तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको मैं स्क्रीनशॉट बताऊंगा प्रूफ के साथ, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट, पहली स्क्रीनशॉट है, पहला बच्चा बोल रहा है, यहां पर स्क्रीनशॉट देख लो, मेरा हो गया जयपुर से 60.50 पर। कितने नंबर पे हुआ है इस बच्चे का, 60.50 नंबर पर इसका सिलेक्शन हो चुका है, कहां से, जयपुर रूरल से। अगला दोस्तों आपको मैं कमेंट बता दूं, दूसरा हमारे पास कमेंट किया है बच्चे ने, वो अलवर से किया है, ये है यहां पर देख लो आप, अलवर से 53 पर हो गया, मतलब कि अलवर से 53 नंबर पे सिलेक्शन हो गया, ठीक है, कितने पर, 53 नंबर पर। बीच यहां पर दोस्तों आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। तीसरा कमेंट आया मेरे पास, यहां पर पढ़ सकते हो, मेरा जयपुर ग्रामीण से हो गया जनरल फाइट, मेरा नंबर 55 के आसपास थे, 55 नंबर पे इस बच्चे ने जनरल फाइट किया है। अब दोस्तों ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं मैं बता नहीं सकता, लेकिन मुझे जो उन्होंने बताया है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चौथा कमेंट है, चौथा आप देख सकते हो, मेरा हो गया सर आपकी दया से जयपुर ग्रामीण से MBC 57.88। ये बच्चा बता रहा है कि सर आपकी दया से मेरा जयपुर ग्रामीण से सिलेक्शन हो गया, कितने नंबर पर, 57.88 नंबर थे, MBC कैटेगरी से बच्चा था। आगे चलता हूं, पांचवा कमेंट है आपके सामने, 54 नंबर, ये बच्चे का धौलपुर से सिलेक्शन हुआ है 54 नंबर पर, इसके 54 नंबर आ रहे थे, इसका भी सिलेक्शन हो चुका है। छठा कमेंट देख लो दोस्तों, छठा कमेंट आपके सामने है, अलवर से मेरे भाई के 58 नंबर थे OBC में, मेल में, उसका भी हो गया, ठीक है, 58 नंबर पर OBC मेल, तो इनका सिलेक्शन हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कमेंट है, ज्यादातर बच्चे रह रहे हैं, मैं आपको बता दूं जिनका सिलेक्शन हुआ है, फीमेल की बता दूं दोस्तों, फीमेल की 44 के आसपास, फीमेल मतलब 44 से शुरू होकर 55-56 तक इसके बीच में नंबर आ रहे थे, उनका भी सिलेक्शन हुआ है, याद रखना उनका भी सिलेक्शन हुआ है। अब दोस्तों आपको जिनका सिलेक्शन हो गया उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका सिलेक्शन जो दोस्तों पास हो गए हैं उनको अब क्या करना चाहिए, उनको जोरदार तरीके से फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि अब फिजिकल की तैयारी में लग जाओ। जो भी पास हो गए हैं और जिनको लग रहा है कि मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा, मैं भी पास हो जाऊंगा, उसको फिजिकल की तैयारी में लग जाना चाहिए। कोई कुछ भी बोले, किसी पर आपको ध्यान नहीं देना। जो पहले 60-65 बता रहे थे वो अब 3-4 नंबर नीचे आ गए खुद ही, इसलिए बोल रहा हूँ, पहले वो कमेंट कर करके झूठ बोल रहे थे, लेकिन आपको मैंने बता दिया प्रूफ के साथ कि कितने नंबर पे बच्चों का पास किया गया है, ठीक है। अब बहुतों का ये भी डाउट आ रहा है कि ये जिलों की जो 6 जिले हैं ये तो नोटिफिकेशन में है ही नहीं, इनका फिर रिजल्ट कहां से जारी कर दिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जब नोटिफिकेशन आया था
पहला दो नोटिफिकेशन आए थे याद रखना, जो पहला नोटिफिकेशन आया था उनमें दोस्तों अलवर भी नहीं था, सीकर, झुंझुनू, मतलब ये जिले नहीं थे। लेकिन जब दूसरा नोटिफिकेशन आया था इसमें वैकेंसी बढ़ाई गई थी, लगभग आपके दोस्तों 50-60 वैकेंसी बढ़ाई गई थी ना, तो उसके अंदर ये जिले थे। तो आप ये डाउट बाहर निकाल दो कि ये फर्जी रिजल्ट है या फिर ये जिले तो है ही नहीं नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन में। आगे बात कर लूँ, बहुत बंदे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि 5 गुना को पास ही नहीं कर रहे, तो याद रखना 5 गुना बच्चों को पास कर रहा है। मेरे कहने का मतलब है झुंझुनू से कितनी जगह है, झुंझुनू से जगह है 8, ठीक है, 8 जगह है झुंझुनू से, और कितने बच्चों को पास किया गया है, 40 बच्चों को पास किया है, मतलब कि 5 गुना को पास किया गया है। याद रखना झुंझुनू में जगह है 8, पास किया गया है 40, 8 × 40 तो 5 गुना को पास किया गया है। अब इनको फिजिकल करवाया जाएगा और लास्ट में जिसके अच्छे नंबर आ रहे हैं 8 बच्चों के उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अंतिम में दोस्तों 8 बच्चों को ज्वाइनिंग दी जाएगी, याद रखना 5 गुना को फिजिकल के लिए बुलाया जा रहा है। तो मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दे, फिर वापस से बोलूंगा जिसका भी सिलेक्शन हो गया है, जो बंदा पास हो गया है, याद रखना जो पास हो गया है वो फिजिकल की तैयारी में लग जाओ। कोई कुछ भी बोले किसी पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको फिजिकल की तैयारी करनी है जोरदार तरीके से। याद रखना फिजिकल के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा क्योंकि भर्ती बहुत लेट हो चुकी है, इसलिए बोल रहा हूं जैसे ही सब जितने भी जिले हैं सबका रिजल्ट आता है उसके तुरंत बाद आपको फिजिकल देखने को मिल जाएंगे, इसलिए फिजिकल की तैयारी जारी रखो कोई कुछ भी बोले। तो दोस्तों आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को जो भी आपके दोस्तों उनके साथ शेयर भी कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।